ठीक है। तो इसमें देख क्वेश्चन में था कि टावर के टॉप में कोई इंडिविजुअल खड़े है, ठीक है, कपोर से नीचे कोई कार जा रहा है, उसको देखना है। कार का फर्स्ट पोजीशन था डी और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे आ गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा सी से बी में जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा, सी से बी आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप का मान लो यहां से यहां तक आने में कितना सेकेंड लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क्स देखिए सेकेंड, अच्छा थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहां से यहां तक 6 सेकेंड, तो यहां से यहां तक कितना सेकेंड लगता है, ओके सही ठीक है। ए बी इज द कोई चल ए बी इज द टावर, ओके और वहां पे देखोगे यूनिफॉर्म स्पीड कार का क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो डी इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द कार एंड सी इज द सेकेंड पोजिशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन और सब चीज गिवन। अभी क्या है कार मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, लेट स्पीड ऑफ द कार इक्वल्स टू एक्स, क्लियर, एंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम सी टू बी इज टी सेकेंड्स में जाए, ओके। अभी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस डीसी जो है इक्वल टू स्पीड कितना एक्स, टाइम कितना 6, तो 6x डीसी, डी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, स्पीड कितना लिया एक्स, तो डीसी इक्वल टू कितना हुआ 6x। इधर देख रहे हैं खड़े जाओ आगे तक समझ में, 6x कहां से है सर, हमने स्पीड को मतलब भाई स्पीड सर स्पीड हमने x मान ली और सर टाइम हमें लगा 6 सेकंड, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, उससे सर 6 सेकंड आ गया, 6x सेकंड आ गया, ओके सर ओके। उसके बाद डिस्टेंस सी बी इक्वल्स टू स्पीड कितना x, यहां पे भी सेम पुट होगा, स्पीड x है और टाइम t है, तो कितना होगा टी एक्स, ठीक है ना, तो सी बी इक्वल्स टू टी एक्स, ये बात पता चला। अभी देखो इन ट्रायंगल एबीसी एबी अपॉन सीबी इक्वल्स टू हाउ मच, टेन एबी डिवाइडेड बाय सीबी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 डिग्री, एबी तो एबी रख दो, सीबी की जगह क्या लिखना है टीएक्स, टेन 60 कितना है रूट थ्री, तो एबी इक्वल्स टू रूट थ्री टी एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन याद रख लिया। उसके बाद इन ट्रायंगल एबीडी
एबी अपॉन बीडी, एबी अपॉन बीडी इक्वल्स टू टेन थर्टी डी। ओके एबी बीडी इक्वल्स टू डीसी प्लस डीबी प्लस सीबी टेन थर्टी। ओके तो एबी का वैल्यूज कितना है, एबी का वैल्यूज हम लोग वहां से पुट कर सकते हैं रूट थ्री डी एक्स, पहले एबी रख देते हैं नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन से पुट ही कर देते जल्दी हो जाएगी। ठीक बेटा रूट थ्री डी एक्स डीसी, डीसी का वैल्यू हम लोग को कितना है सिक्स एक्स और सीबी का वैल्यू रूट थ्री डी एक्स हाँ टीएक्स। ओके और एबी का वैल्यू भी पुट कर देते यहां से लेके रूट थ्री एक्स टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू मालूम है वन अपॉन हसी बेटा देखो जो सब वैल्यूज लिख दिया सब आ गया ना सर तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी देखो इसमें से एक्स कॉमन आएगा एक्स रूट थ्री टी डिवाइडेड बाई एक्स सिक्स प्लस टी इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर बचा रूट थ्री टी डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टी इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा थ्री टी इक्वल टू सिक्स प्लस टी टू टी इक्वल्स टू सिक्स तो टी इक्वल टू थ्री सेकेंड देयर फोर रिक्वायर्ड टाइम टू रीच सी टू सी टू बी इज थ्री सेकेंड। अच्छा ध्यान रखना जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का ये सब तो थोड़ा बहुत तो लिख ही दोगे। स्पीड को मान लो एक्स स्पीड कल हमने क्या किया था हाइट को एक्स माना था फिर वेलोसिटी फाइंड किया था। ठीक है ना तो इसको मान लो जल्दी हो जाए अंडरस्टूड। मान लो कोई बच्चे को काफी डिफिकल्ट लगते हैं उसके लिए शॉर्टकट मेथड भी शॉर्टकट मेथड इसमें हो जाता है वन मार्क्स वाले यही क्वेश्चन वन मार्क्स वाले में आएगा तो अभी भी जल्दी हो जाए। कैसे देखो अच्छा ये समझ में आ गया नोट डाउन करना अच्छा नोट डाउन कर लो इसी में तब शॉर्टकट में तो भी थोड़ी देर बाद बता सकता और अभी बता दो शॉर्टकट में तो एकदम इजी है इसमें देखो ऐसा करना नहीं लेकिन एक नंबर में आता है इसे सब कर दे मतलब वन मार्क्स आंसर वन मार्क आंसर मतलब कोई तुम्हारा एमसीक्यू का नहीं दिया वन मार्क्स क्वेश्चन में इसको दे दिया तो कैसे फाइंड करोगे ट्रिगोनोमेट्री प्लस ज्योमेट्री दोनों को ऐड कर दो ट्रिगोनोमेट्री प्लस ज्योमेट्री ऐड कर दो कैसे देखो ये वाला क्या 60 है ये वाला 30 है तो ये वाला कितना होगा बोलो बेटा ये 60 या 30 एक्स एंगल 30 30 होगा 30 होगा तो क्या होगा ये दोनों इक्वल होगा। अभी इसको एक्स माना ये भी क्या होगा एक्स होगा है कि नहीं ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। ओके अभी देखो बीसी अपॉन एसी इक्वल्स टू हाउ मच कॉस 60 डिग्री डीसी एसी का वैल्यू कितना एक्स कॉस 60 कितना हाँ तो बीसी कॉस कितना एक्स बाई टू यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है एक्स के लिए कितना टाइम लगते हैं 6 सेकेंड एक्स बाई टू के लिए कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड मतलब 6 बाई टू दैट इज 3 सेकेंड डायरेक्ट आंसर आ गया।
तो जियोमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री करो, देखोगे आसान से मतलब वेरी स्मॉल टाइम में तुम्हारा आंसर आ जाए। ओके क्लियर। तो कभी तुम्हारे एक नंबर पे आते कैसे कर दोगे, और मतलब चार नंबर पे आए तो देख लीजिए करोगे। ठीक है, ओके सर, नोट।